हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम सावधिक परीक्षा वर्ग नवम का हिंदी का जो है नवा का देख लीजिए। राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्रभाषा उस बच्चे के लिए है यानी हिंदी, ये वाला इसको हम नॉन हिंदी बोलते हैं, जो क्लास नाइन्थ में या क्लास टेन में जो बच्चे उर्दू लिए होंगे, जो बच्चे उर्दू लिए होंगे ना उनके लिए क्लास सेवन का हिंदी है। क्लास सेवन का हिंदी है जिसको हम लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं और जिसको हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हिंदी। और जो बच्चे यहाँ पे मैथिली लिए होंगे मैथिली, उनका भी ये सातवां का नॉन हिंदी है हिंदी, ठीक है। संस्कृत वाले बच्चे का ये वाला हिंदी नहीं है, उनके लिए मातृभाषा होता है वो वाला हिंदी, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। सीधा से बात कीजिए तो मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, मुस्लिम लोग उर्दू लेते जाते हैं तो वो उन इन बच्चों के लिए राष्ट्रभाषा, ठीक है। और जो हिंदू जो बच्चे होते हैं वो जो संस्कृत लेते हैं तो उनके लिए जो है वर्ग नौवा का है हिंदी होता है, ठीक है। तो ये वर्ग नौवा का नहीं है, ये वर्ग जो है सातवां का, यानी कि मुस्लिम बच्चे और जो बच्चे मैथिली लिए होंगे उनके लिए ये आपका हिंदी है, ठीक है। सातवां का हिंदी वो लोग करता है, ठीक है, और मीट्रिक में आठवां का हिंदी उनका रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। देख लीजिए 160 क्वेश्चन है जिसमें से 50 का जवाब देना है, हम आपको 50 तो 60 क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग मिलाइएगा आंसर और आपको आखिरी में बताएंगे किस प्रकार से इसका जो है आपको आंसर के डाउनलोड करना है प्लस में सब्जेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं। एक है अ प्लस न पर जो लगा है ना ये वाला लकीर, इसको हलंत बोलते हैं। प्लस अ प्लस ध पर हलंत है, प्लस ई पर हलंत है, प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ से कौन सा शब्द बनेगा। तो एक का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंधकार बन जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं आप लोग, कमल का सही वर्ण विच्छेद कौन होगा। तो दो का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। तीन नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो तीन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ट्रक। चार नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। तो चार का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वर्षा। अगला सवाल देखते हैं पाँच नंबर की ओर, कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही नहीं है। तो पाँच का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पाँच का डी हो जाएगा, ठीक है, हंसना। छः नंबर क्वेश्चन है, चंद्र बिंदु से बना सही शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। तो छः का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छः का कान। सात नंबर सवाल देखिए, मंडप का सही रूप कौन है। तो सात नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं है। आठ नंबर देखिए, अर्धचंद्रकार से बना शब्द कौन है। तो आठ का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर। नौ नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो नौ का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपसर्ग। दस नंबर सवाल देख सकते हैं हम लोग, क प्लस अ प्लस प प्लस ओ प्लस त पे हलंत लगा जितना पे अ का सही रूप कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा दस का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ग्यारह है, स्नानी शब्द का मानक रूप क्या है। तो ग्यारह का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नान करना। बारह देख लीजिए, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बारह का सी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, तेरह नंबर पर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो तेरह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। चौदह नंबर सवाल देखिए, उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो चौदह का हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंद्रह नंबर सवाल है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो पंद्रह का सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निवेश। सोलह नंबर सवाल देखिए, सौभाग्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सोलह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सो। सत्रह नंबर सवाल देखिए, हाथ फैलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो सत्रह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ मांगना। अठारह नंबर सवाल देखिए, मानव शब्द का विपर्तार्थक रूप कौन है। तो अठारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानव। चलिए फटाफट से आंसर मिलाते रहिए आप लोग, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से डाउनलोड करना है वीडियो को आखिरी में। उन्नीस नंबर सवाल देखिए, धरा शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो उन्नीस का आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी। बीस नंबर सवाल देखिए, सत्य का विपर्तार्थक शब्द कौन है। तो असत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थक मतलब उल्टा। 21 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, मानव बनो पाठ सहित की कौन सी विधा है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कविता। 22 नंबर देखिए, कि शिव मंगल सिंह सुमन कौन है। तो 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट बताऊंगा, जितना क्वेश्चन है ना क्वेश्चन का सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, इसका ये आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। और आखिरी बता दूंगा इसका सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ कैसे डाउनलोड आपको करना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 22 का आंसर जो आपका हो जाएगा 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल का जो हो जाएगा आपका सही जवाब अशुर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 23 का सही जवाब जो होगा अशुर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का बी आंसर। 24 नंबर सवाल देखिए, 24 पुष्प की अभिलाषा पाठ के रचयिता कौन है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा, ठीक। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, 25 नंबर का आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ए बी आसरा करना। 26 का आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा आपका सही, सी हो जाएगा, ठीक है, देशभक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 28 देखिए, 28 का आपका आंसर होगा बी, 28 का बी होगा विद्यापति। 29 देखिए, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यार भी। 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, छः होना, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा मैं सब आंसर बता रहा हूँ। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 का हो जाएगा सी होगा, 31 का सी हो जाएगा। 32 देखिए, 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्र। चलिए 32 का कवि के लिए होगा, 32 का कवि के लिए होगा। 33 देखिए, 33 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोही। 34 देखिए, 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तीरे, ठीक है। 34 में है, 33 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 34 का सी, जिसके अधीन कई राजा हों। चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं। 35 नंबर, एक अपराध जो डूट डूट मोर जानी, तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 35 का डी हो जाएगा। 36 देखिए, 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी देवकन्या। 37 देखिए, 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 देखिए, 38 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 39, 39 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हम लोग 40 को। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, पछताना। 41 देखिए, 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कट ऑफ निशा से। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। 42 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 42 का सी हो जाएगा, आजमगढ़। 43 देखिए, 43 नंबर आपका सही जवाब होगा 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का। 45 नंबर सवाल देखिए, 45 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 47 नंबर का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फल। 48 देखिए, 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 का गाय। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीशपुर में। अगर चलिए क्वेश्चन को चलते 50 नंबर क्वेश्चन, 50 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीन दिन तीन रात। 51 नंबर सवाल देखिए, 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाखा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52 का मृत्यु का। 53 नंबर सवाल देखिए, 53 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तनाशय। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 54 का, ठीक है, 1782 में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसका सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन का बताऊंगा, इसका सब्जेक्टिव आंसर अगर आप देख सकते हैं। 59 का क्वेश्चन आपका सही जवाब जो होगा 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा, ठीक, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर के वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 फरवरी 1857। इसमें उम्मीद आप लोग समझ गए। आप बताता हूँ इसका सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है, इस तरीके से उसका सर्च करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी।